हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट में। तो आज के 10 जीके क्वेश्चन, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया की एकमात्र महिला संतोष यादव, उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपके पास सबसे 5 सेकेंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटौदी गुड़गांव, ऑप्शन बी थानेसर कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी राय सोनीपत या ऑप्शन डी मोरनी अंबाला। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी राय सोनीपत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की जा रही है? ऑप्शन ए इंद्र सहेली परियोजना, ऑप्शन बी पराया धन पराई बेटी, ऑप्शन सी अपनी बेटी पराया धन या ऑप्शन डी अपनी बेटी अपना धन। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अपनी बेटी अपना धन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राजा की राजधानी हरियाणा का थानेश्वर शहर था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी सम्राट अशोक। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी फतेहाबाद या ऑप्शन डी करनाल। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए पानीपत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है? ऑप्शन ए टोडा, ऑप्शन बी मुरेथा, ऑप्शन सी खंडवा या ऑप्शन डी पगार। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर ऑप्शन सी खंडवा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी अजहरुद्दीन। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर ऑप्शन बी कपिल देव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन ए गिद्धा, ऑप्शन बी बाउल, ऑप्शन सी यक्षगान या ऑप्शन डी बीहू। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए गिद्धा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी सिरसा में, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में या ऑप्शन डी जिंदो में। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए करनाल में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, एटलस उद्योग हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी पंचकुला या ऑप्शन डी सोनीपत। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सोनीपत। तो ये थे आज के हमारे 10 जी के क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने उस पर रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता है। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।